हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे कह रहे थे कि उनका कल पेपर है, तो आज लगभग 8-10 वीडियोस पब्लिक करने की कोशिश रहेगी सर। ठीक है, आप बस फटाफट से देख डालिए सारी की सारी पीडीएफ, सब कुछ अभी हम टेलीग्राम पे अपलोड करवा देंगे। बी डिकेडियन बीएससी टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हमने कई पेपर्स भी देखे जिनमें ये आया हुआ है, साइक्लोस्केलेटन यानी कोशिका कंकाल या कोशिका पंजर क्या होता है, बहुत बार पेपर में दोस्त ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है ये? ये सेल न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक फैला रहता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, झिल्ली होती, तो वहां तक फैला रहता है, भित्ति कह लो, और विभिन्न जीवों में समान प्रोटीन से बना होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में तीन चीजें इसमें आ जाएंगी सर। सबसे पहले होगा क्या, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, तीन प्रकार के डिफरेंट डायमीटर वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। नंबर एक होता है माइक्रोफिलामेंट्स, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। ये जी एक्टिन प्रोटीन के लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स समझते हो आप, पॉलीमर्स का मतलब तो बहुलक, यानी बहुत सारे जो है वो जी एक्टिन आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएंगे। ठीक है भाई, जो चेन की फॉर्म में जुड़े रहते हैं, ऐसी दो चेन्स आपस में मिलकर एफ एक्टिन बनाती हैं, जिनका डायमीटर 7 से 9 नैनोमीटर तक होता है। एफ एक्टिन के फिलामेंट सॉलिड होते हैं, ये फिलामेंट्स निम्न कार्य करते हैं, यानी ठोस अवस्था में होते हैं, और इनका कार्य क्या होता है, सेल साइज को सुरक्षित रखते हैं, ये मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन यानी जो मांसपेशियों का संकुचन होता है, संकुचन करते हैं उन्हें। ठीक है, और सेल का माइग्रेशन करते हैं। ठीक भाई, दूसरा होता है माइक्रोट्यूबल्स, इनका क्या काम है, ये हॉलो सिलेंडर के समान होते हैं, इनका स्ट्रक्चर 13 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है, जो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के पॉलीमर होते हैं। ये अल्फा और बीटा के पॉलीमर, पॉलीमर मतलब सरल भाषा में बहुलक होता है, आपस में मिलके बना होता है। ठीक है भाई, पॉलीमर्स होते हैं, इनमें जुड़ी हुई डायनिन की वजह होती है, वो कैटलिस्ट के रूप में काम करती हैं। इन ट्यूबलेस के निम्न काम होते हैं, क्या काम होते हैं, इनर सेल्स का ट्रांसपोर्टेशन, यानी जितनी भी अंतः कोशिकाएं हैं उन्हें एक जगह से, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना उनका काम होगा। सेल डिवीजन में फिलामेंट्स को बनाना, यानी जब कोशिका का विभाजन होगा तो उस समय में फिलामेंट्स का फॉर्मेशन भी इनका काम होता है। उसके बाद तीसरे होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट मतलब सरल भाषा में कहें बीच की स्टेट होती है, माध्यमिक अवस्था। इनका डायमीटर लगभग 8 से 12 नैनोमीटर होता है, और ये साइटोस्केलेटन से सबसे हाइड्रोजन यानी विषम कंपोनेंट होते हैं। ये माइक्रोफिलामेंट्स की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं और दूसरे वाले से कम मजबूत होते हैं, यानी ये बीच की स्टेट है। ठीक है, इनमें कौन कौन होते हैं, तो बायमेनिटिन होते हैं, केराटिन होते हैं, लैमिन होते हैं और डेसमिन होते हैं। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है भाई, उसके बाद ये देखिए बने हुए हैं इस तरीके से, ये इनका साइज, इंटरमीडिएट वाले ये आ गए, ठीक है, माइक्रो वाले ये आ गए, एक्टिन वाले ये आ गए, तो आप इसका डायग्राम बना देंगे, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद सिग्निफिकेंस यानी महत्व की बात करें तो सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों का पृथक करने में, अलग करने में काम आते हैं, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, ये इनर सेल्स ट्रांसपोर्टेशन तथा सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये सेल को शेप प्रदान करने में हेल्प करते हैं, ये सेल सिग्नल्स के मार्गों का फॉर्मेशन करते हैं, यानी इस तरीके की चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, अगर पेपर में आप जा रहे हो तो मान के चलो इसे पढ़ के ही जाओ। ठीक है, बल्कि कोई अगर कहे सर जी टॉप 5 क्वेश्चन बताइए, तो हम कहेंगे कि ये वाला आप जरूर पढ़ के जाइए, पेपर में आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी कई सारी वीडियोस हम इसके बाद पब्लिक करने वाले हैं, सबको देख डालिए भगा भगा के। ठीक है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे क्योंकि कल पेपर है, और फिर आराम से पीडीएफ देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर ये पीडीएफ 2-3 बजे तक भी पब्लिक हो जाती है तो अभी पूरा शाम है, ठीक है, रात है, उसके बाद कल सुबह आपका पेपर होगा, तो आप आराम से जाके देख सकते हैं। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।